فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سورة التوبة آيات 43 آج کا سبق ہے. معاف کر دیا اللہ اللہ نے عن کا آپ کو لیما کیوں اذنت اجازت دی آپ نے لہم انہیں حتی یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جاتے لا کا آپ کے لیے لا کے لیے کا آپ کے الذین وہ جنہوں نے صدقو سچ کہا اور آپ جان لیتے الکاذبین جھوٹوں کو لا نہیں یستأذنو کا یستأذنو یعنی استأذنا یستأذنو جو ہے باب استفعال سے ہے استعزانہ یستعزینو باب استفعال کی حصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس وزن پر اس باب میں سے جو بھی فعل آتا ہے اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں جیسے اجازت طلب کرنا اجازت مانگنا دعا طلب کرنا بخشش طلب کرنا جیسے استغفار ویسے تو اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ نون حمزہ ذال نون اذن اجازت کو بولتے ہیں تو لیکن جب باب استفعال سے جب بھی کوئی فعل آتا ہے تو اس میں کیا حصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں طلب کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو اب یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن میں اگر گہرائی میں ان ڈیپتھ جا کے دیکھیں تو حقیقت میں اس میں طلب کیا جا رہا ہے اجازت طلب کی جا رہی ہے لا یستأذنو نہیں اجازت مانگتے کا آپ سے الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر ان کے یجاہدو وہ جہاد کریں جاہدا یجاہدو مجاہدت یہ باب کس باب سے ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے ذرا بتائیے اس باب کی خصوصیت کیا ہوگی اموالہم ساتھ اپنے مالوں و انفسہم اور جانوں کے واللہ اور اللہ علیم خوب
खूब जानने वाला है। बिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों को जी मुशारकत पाई जाती है। एक दूसरे के मुकाबले में आना बाब मुफाइला से, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इस बात की समझ आ रही है कि ये जो अबवाब हमने मज़ीद फीके सीखे हैं, इससे समझने में, ट्रांसलेशन को गहराई के साथ समझने में कितनी मदद हमें हासिल हो रही है। इन्नमा बेशक, यस्तदीनु का इजाज़त मांगते हैं का आपसे, अल्लज़ीना वो जो, ला युमिनूना नहीं वो ईमान रखते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर, वर्ताबत और शक करते हैं, कुलूबुहुम दिल उनके, कुलूब जमा है कल्ब की, हूँ उनके, फहुम वस्वफी रईबिहिम अपने शक में, यतरद्ददून वो हैरान है, वलो और अगर, अरादू वो इरादा करते, अलखुरूजा निकलने का, लअद्दू ज़रूर वो तैयार करते, ला अलबत्ता, अद्दू वो तैयार करते, लहू उसके लिए, उद्दतन साजो सामान, वलाकिन और लेकिन, अब देखें इसमें आइन दाल जो आइन दाल वाओ इस आद अद्दू ये फेल है और उद्दतन क्या है इसम है, ठीक है। तो दोनों की अगर हम रूट वर्ड्स के लिहाज से देखें तो मीनिंग यही होगा तैयारी करना साजो सामान के लिए। अब जब वो फेल में आ जाता है और फेल माजी के अफाल में से किसी भी फेल पर या फिर फेल मुजारे में से, तो उसकी ट्रांसलेशन करते वक्त हमने ये ख्याल रखा होता है जिसमें ज़माना पाया जाएगा, ये इसको फेल के मुताबिक डिज़ाइन करना है। लेकिन जैसे इसम आता है तो फिर हम उसको कोई ना कोई नाम बस देते हैं, जैसे उद्दतन। अब उद्दतन क्या है, साजो सामान। वलाकिन और लेकिन, कारीहा नापसंद किया अल्लाह, अल्लाह ने, लफ्ज़ अल्लाह मरफू क्यों है, लफ्ज़ अल्लाह पर पेश क्यों आई, अगर यहाँ पे अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नाउज़ु बिल्लाह इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, सिर्फ पेश की जगह पर ज़बर पढ़ने से पूरे जुमले का मफ़हूम बदल जाता है। यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह क्या है, सब्जेक्ट है, फाइल है, कि पसंद किया नापसंद किया किसने, अल्लाह ने, नाउज़ु बिल्लाह अगर इसकी जगह पे अल्लाह पढ़ लिया जाए तो क्या इसकी ट्रांसलेशन हो जाती है, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हो जाता है, यानी नापसंद किया। नीचे अगर ज़े पढ़ ली जाए तो क्या मीनिंग चेंज हो जाएंगे ना, इसलिए कुरान की तिलावत करते वक्त एराब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि कुरान की तिलावत सीखना इतना ज़रूरी नहीं है, उनके एराब का ख्याल रखना, पूरे का पूरा मफ़हूम बदल जाता है। अगर एक इंसान को पता है कि उसकी तिलावत के अंदर ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, फिर भी वो अपनी तिलावत पर गौर फिक्र नहीं करता, अपनी तिलावत को अच्छे तरीके से नहीं सीखता, तो फिर तो उससे पूछिए छोड़ी, ठीक है। इसलिए तिलावत को सीखना, उसकी मखरज सीखना तजवीद के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। वलाकिन करिहल्लाहु, लेकिन नापसंद किया अल्लाह ने, इन्बिआसहुम उठना उनका, फसब्बतहुम तो उसने रोक दिया उन्हें, वकीला ये जो सब्बता है फा तो सब्बता, सब्बता जो है तस्बीतन, किसी आदमी के काम में रुकावट डालना या किसी तरीके से उसे बाज रखना, इसका ये मतलब होता है। वकीला और कहा गया, उक़ुदू बैठ जाओ, मा अल-क़ाइदीन साथ बैठने वालों के, लो अगर खराजू वो निकलते, फीकुम तुम में, मा नाज़ादूकुम वो ज़्यादा करते तुम्हें, इल्ला मगर खबालन खराबी में, वला औज़ऊ और अलबत्ता वो दौड़ाते, खिलालकुम दरमियान तुम्हारे, या बगूनकुम व
वो तलाश में रहते तुम में अलफितनता फितने की, वफीकुम और तुम में समाउना सुनने वाले हैं, लहुम उनके लिए वल्लाहु अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। लक़द अलबत्ता तहकीक इब्तगौ इन्होंने डालना चाहा अलफितना तफितना मिन कब्लु इससे पहले, वक़ल्लबू और उल्ट पुल्ट किए। अब देखिए कल्ब क़ाफ लाम बा इसका रूट वर्ड है और कल्ब दिल को भी बोलते हैं, ठीक है। कल्ब किसे कहते हैं? दिल को। कल्ब की भी यही रूट वर्ड होता है। अब इनका आपस के अंदर क्या इन डेप्थ में जाके कहीं कैसे चीज पाई जाती है। दिल को भी इसलिए दिल कहा जाता है क्योंकि वो उल्ट पुल्ट होता रहता है, कभी किसी जानी कभी किसी जानी हो जाता है, एक मिनट के अंदर पता नहीं चलता दिल की कैफियत कैसे बदल जाती है, इसलिए दिल को कल्ब कहा जाता है। कल्लबू वो उल्ट पुल्ट किए, लका आपके लिए अल उमूरा मामलात अमर की जमा है, हत्ता यहाँ तक कि जा आ गया अल हक हक, व जहरा और जाहिर हो गया अल जहरा जाहिर हो गया अमरो हुकम अल्लाह ही अल्लाह का, वहम जबकि वो कारी हूँ नापसंद करने वाले थे। तफसीर देखिए, الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبشر لك الذين صدقوا الله نے آپ کو معاف کر دیا، آپ سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی، عن کا میں کاف جو ہے واحد کے لیے آیا، اور واحد کے لیے آنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مخاطب کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ अगर कुम होता तो फिर हमें पता होना था कि सबको मुखातिब किया गया है, ठीक है। तो ये वाहद और जमा का ख्याल रखने से हमें मज़ीद अच्छी समझ आ जाती है। अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्यों माफ़ किया? अभी से ये भी पता चलता है कि कोई ख़ता हुई होगी, कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से अल्लाह ने आप सल्लम को माफ़ कर दिया। हुआ ये था क्योंकि तबूक का वाकया हम पढ़ रहे हैं, तो गज़वे तबूक में ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुछ लोग आए। जब आप सल्लम तबूक के लिए रवाना होने लगे थे तो बाज़ मुनाफिकीन ने बनावटी हीले बहाने पेश करके आप सल्लम से मदीना में रहने की इजाज़त तलब की, हालांकि उन्होंने पहले सोच रखा था उन मुनाफिकीन ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें परमिशन दें या ना दें हम नहीं जाएंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए वो आप सल्लम के पास आए और आके आपसे इजाज़त तलब की और अपने एक्सक्यूज़ेस पेश किए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम नहीं जा सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है इजाज़त दे दी कि वो यहाँ पे रह लें, हालांकि ये उन लोगों की आजमाइश का वक़्त था। अल्लाह का नज़रिया या अल्लाह का कि इजाज़त ना दी जाती बल्कि उनको चेक किया जाता कि भला ये जो है जाते हैं कि नहीं जाते, इनका इनकी जो इनकी एक्सक्यूज़ेस हैं वो सच्चे भी हैं कि नहीं, यानी अगर अल्लाह के रसूल इजाज़त ना देते फिर असल आजमाइश शुरू होनी थी कि इजाज़त वाकई दिल से मांग रहे हैं या फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लका, कि आपने क्यों इनको इजाज़त दी हालांकि आप इनको इजाज़त ना देते तो इनकी हकीकत ज़ाहिर हो जाती कि कौन हकीकी उज़र पेश कर रहा है या कौन बहाने बना रहा है। इस इजाज़त देने पे अल्लाह ताला ने अपने नाराज़ होने का इजहार किया लेकिन नहायत लुत्फ़ करम और मेहरबानी के साथ
इस इजहार से पहले, नाराज़गी से पहले अल्लाह ने बता दिया कि मैंने माफ़ कर दिया। ये कितना खूबसूरत तरीका है ना नाराज़ होने का। अल्लाह ताला के स्टाइल्स इतने प्यारे हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। देखिए, अल्लाह अपने नबी से, अपने महबूब पैगंबर से नाराज़ भी हैं, साथ उनको परेशान भी नहीं होने दिया। तो यही है मोहब्बत का अंदाज़। मोहब्बत की नाराज़गी ऐसी ही होती है कि आप पहले राज़ी हो जाएं, फिर कहें कि हमने आपको माफ़ कर दिया, और फिर बताएं सामने वाले की गलती, ताकि उसकी गलती उसकी अना को ठेस ना पहुंचाए, बल्कि उससे महसूस हो कि वाकई उसे शर्मिंदा नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे समझाया जा रहा है कि आइंदा ये मिस्टेक्स नहीं करने। हम लोग कैसे लोग, अल्लाह इतने बड़े, इतना बड़ा है रब, उसकी बड़ाई, उसकी अजमत कितनी बड़ी है कि वो इतने खूबसूरत अंदाज में कोई ताना नहीं दे रहा, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा, बल्कि डायरेक्ट पहले माफ़ कर रहा है। ये वाकई पता चलता है कि वो माफ़ करना चाहता है। लेकिन हम लोग अगर किसी को, किसी के साथ गिला भी करें ना, तो पहले उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं, उसकी इज्जत को इतना ठेस पहुंचाते हैं, उसको उसकी खामियां इतनी दिखाते हैं कि सामने वाला चाहता है कि उसको मुआफ़ी ना किया जाए, बल्कि उसको छोड़ दिया जाए। ऐसी मुआफ़ी का क्या फ़ायदा जिसमें तज़लील हो, ऐसी मुआफ़ी का क्या फ़ायदा जिसमें सरे बाज़ार इज़्ज़त को उछाला जाए और फिर कहा जाए कि हमारा सब्र देखो कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। और अल्लाह के माफ़ करने का स्टाइल कि पहले माफ़ करने की इतला दी, फिर फरमाया कि आपने ऐसा क्यों किया, गिला किया फिर मोहब्बत के साथ। तो इससे पता चलता है कि शिकवा करना जायज़ है, लेकिन शिकवे में मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि क्या शिकवा करना चाहिए, तो शिकवे के भी स्टाइल्स होते हैं। अगर शिकवे का स्टाइल आजिज़ाना है, शिकवे का स्टाइल नखरों वाला है, प्यार वाला है, उम्मीद वाला है, तो फिर कोई खर्च नहीं। भी इंसान अपने साथ रहने वाले लोगों से मोहब्बत के साथ शिकवा कर सकता है, आजजी के साथ, बगैर उसको तनकीद किए, बगैर उसकी अना को ठेस पहुंचाए। लेकिन अगर हमारे शिकवे अक्सर ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ कांटे होते हैं, सिर्फ चुभन होती है, और सामने वाले को महसूस करवाया जा रहा होता है कि उसने इंतहा गलत काम किया, तो इसे हमें अल्लाह के अंदाज से, अल्लाह के अंदाज में तो सीखने हैं हमने उनको फॉलो करने की। इनको इतना बड़ा रब होकर इतना खूबसूरत स्टाइल अपना रहा है, तो हमें भी फॉलो करना चाहिए अल्लाह की सुन्नत को। अब इस आयत के अंदर पीछे रहने वालों की मजम्मत साफ तौर पर बयान की गई है, और इनमें कम ही थे जिनका उजर सही था। अक्सर लोग झूठ बोल रहे थे, अल्लाह के नबी के साथ के सामने एक्सक्यूज़ पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन लोगों को इजाज़त देने पर नाराज़गी का इजहार फरमाया जिन्होंने आपसे सल्लम से इजाज़त मांगी थी, और ये वो लोग थे। अगली आयत के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं, ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीन युमिनून बिल्लाह, ये ऐसे लोग थे कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते थे। यानी मज़ीद आगे फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, योम आखिरत पर, वो आपसे इजाज़त नहीं मांगेंगे, वो आपसे इजाज़त तलब नहीं करते पीछे रहने की। सिर्फ वही लोग इजाज़त तलब करते हैं जो जिहाद में निकलना ही नहीं चाहते, जिनके दिलों में खोट है, जो जिहाद में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, जो कोशिश ही नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे इजाज़त तलब करने में फ़र्क है। सूरत नूर में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाह व रसूलिही, कि बेशक जो लोग तुझसे इजाज़त मांगते हैं ये वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। तो वहाँ मुराद मुनाफिकीन का इज्तमाई काम, मसलन जिहाद के लिए जाना और वहाँ पे वापस मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं जंग में, और जंग के दौरान उनको कोई ज़रूरत पेश आ जाती है या वैसे ही उनको जाना पड़ता है, तो बगैर पूछे ही अल्लाह के नबी से वो चले जाते हैं। तो वहाँ पे इजाज़त तलब करना ईमान की अलामत थी। यानी वहाँ पे इजाज़त किस
टाइप की थी कि आपने कोई काम करना है, परमिशन लेने के, अल्लाह के नबी हमें इजाज़त दें हम ये काम कर लें। लेकिन यहाँ पे इजाज़त तलब करना कैसी थी? ये गज़वा तबूक वाली इजाज़त थी कि हमें जंग से पीछे रहना है। इसलिए यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि नहीं इजाज़त तलब करते वो लोग जो ईमान लाते हैं आखरत पर और अल्लाह पर। और वहाँ पे सूरत नूर में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूका उलाइक अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, कि सिर्फ आपसे वही इजाज़त तलब करते हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर। दोनों का फ़र्क आपको समझ आया? इजाज़त में फ़र्क है, वो इजाज़त थी पीछे रहने की, और मतलब ये जो गज़वा तबूक वाली इजाज़त है कि हम नहीं जाएंगे जंग में, और वहाँ पे इजाज़त थी कि जंग के दौरान जिहाद के दौरान बगैर पूछे ही खिसक जाना, इजाज़त ही नहीं मांगते। बल्कि अहले ईमान क्या करते हैं? पूछ खींच कर अल्लाह के रसूल से कोई भी काम करते हैं। لا يستأذنوا كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر, नहीं इजाज़त मांगते आपसे वो जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरी दिन पर, أيجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, कि वो जिहाद करें अपने माल और जानों के साथ। यानी उन्हें तो खुद जिहाद में जाने का शौक है, वो तो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब इन्हें अल्लाह की राह में शहीद होने का मौका मिले। तो जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं वो आपसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं तलब करेंगे कि अल्लाह के रसूल हम ना जाएं, बल्कि वो तो फुर्ती के साथ आगे आगे होंगे। क्या पता चलता है कि जिन लोगों का वाकई यकीन होता है, जिन लोगों का वाकई इस चीज़ पर ईमान होता है कि उन्हें जंग में जाना है, उन्हें ये काम करना है, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं पेश करते। उनकी ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो, उनको पता है उन्होंने नमाज अदा करनी ही करनी है, तो वो ये नहीं कहते कि आज मेरे पास ये बहाना है इस वजह से नहीं अदा हो सकी। उनको पता है इन्होंने क्लास अटेंड करनी है, उनके पास कोई भी बहाना नहीं होता। 100 बहाने 100 उजर एक तरफ होते हैं, लेकिन उनके पास एक वजह होती है, सच्ची लगन। उस लगन की वजह से वो पीछे नहीं रहते। आपके पास ज़िंदगी में हारने की, बैठ जाने की, जंग में शामिल ना होने की कितनी वजूहात होंगी, लेकिन अगर आपके पास एक वजह है ईमान, तो आपको आपकी मकसद से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई, और आज तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फील भी कर सकते हैं। आजकल जो फतह मुसलमानों को हासिल हुई है और हमारे टॉपिक्स भी वैसे ही चल रहे हैं, तो सेम ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह सुब्हान तआला ने, हमने रिसेंटली पढ़ा ना कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इस दुनिया के अंदर एक जमात ऐसी ज़रूर होगी जो जिहाद करेगी, जो जंग करेगी, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, और अल्लाह उनको फतह अता करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था कि अल्लाह सुब्हान तआला ने वाकई उन लोगों को निकाला और उन्होंने अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ दी। कितना अरसा वो अल्लाह की राह में लड़ते रहे, मुश्किलात बर्दाश्त की, और अल्लाह ने आज उनको फतह अता की। थोड़े होकर भी ज़्यादा पर गालिब आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम में आता है कि लोगों के मुआश में उनके लिए सबसे बेहतर वो आदमी है जो अल्लाह की राह में अपने घोड़े की बाग पकड़े हुए हैं, उसकी पुश्त पे उड़ता फेरा है। जब कभी दुश्मन की आमद पर कोई खौफ की आवाज़ या घबराहट सुनता है तो उड़कर वहां पहुंच जाता है। वो कत्ल और मौत को उन जगहों पे तलाश करता है जहां वो मिल सकती है, यानी वो खुद जाकर ऐसी जगहों पे जाता है जहां पे उसको मौत इंतज़ार उसका कर रही है, कि वो जंग में लड़ने के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट होता है, उसके पास कोई उज़र नहीं होता। तो मुसलमान अगर जाग जाए, मुसलमानों का ईमान अगर पीक पे चला जाए, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह के रसूल की भी पेशेन गोई है, और ईमान की, जैसे हमने बहुत से दिनों से ये आयत बार बार हमारे सामने आ रही ना, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, कि तुम गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो अगर हम मोमिन हो जाए तो हमें कोई मगलूब नहीं कर सकता, क्योंकि ईमान वालों का शौक होता है लड़ना दुश्मनों के साथ। वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन, अल्लाह खूब जानने वाला है मुत्तकी लोगों को, अल्लाह मुत्तकी लोगों की ईमान पे शक नहीं करता। तो इससे अल्लाह का एक कोर्स स्टाइल पता चलता है।
जो अल्लाह के साथ मुखलिस होते हैं अल्लाह उनके ईमान को जज नहीं करते, अल्लाह उनकी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। आप अपने ग्राउंड में जो जड़ है, जो बीज है, उसको बस ठीक कर लें, अल्लाह जो है आपके ईमान को जज नहीं करेंगे। अल्लाह आपको जानते हैं, फिर आपकी गलतियों को भी माफ़ किया जाएगा। अब देखिए, जो जिसकी जिसका अकीदा ठीक होता है, जिसका ईमान ठीक होता है, अगर उसे मिस्टेक हो भी जाती है तो उसकी मिस्टेक्स को समझा जाता है। जो उसका साथ रहने वाला इखलास मुखलिस बंदा होता है वो उसके तकवा को पहचान रहा होता है। इन्नमा यस्तअज़िनुकल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, बेशक इजाज़त मांगते हैं आपसे सिर्फ वही लोग आपसे पीछे रहने की इजाज़त तलब करते हैं जिनके दिलों के अंदर खोट है। यही वही लोग एक्सक्यूज़ पेश करते हैं जिनके दिलों के अंदर बीमारी है, जो वाकई ही अटेंड नहीं करना चाहते कोई भी मीटिंग, कोई भी क्लास, कोई भी जंग जिहाद। क्यों नहीं अटेंड करना चाहते? क्योंकि उनके दिलों के अंदर शक है। वर्ताबत क़ुलूबुहुम, उनके दिल शक में मुब्तला है। फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून, वो अपने ही शक में हैरान है, वो अपने ही शक में भटकते फिर रहे हैं। उनको खुद ही नहीं समझ आ रही अपनी कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बस मोमिन और मुनाफिकीन में फ़र्क सिर्फ ये है कि जब कोशिश का जिहाद का ऐलान हो तो मोमिन फटाफट निकल जाता है, उसके पास कोई वजह ही नहीं होती पीछे रहने की, वो सबका तेज आने वालों में से आगे बढ़ जाता है। लेकिन मुनाफिक वो है जब उसको ऑर्डर किया जाए कि आज ये काम करना है तो उसके पास वो बहाने तराशने लगता है। हर ऐसे मौके पर जो है वो शक में मुब्तला हो जाता है। कभी कहता है चलो शायद पैगंबर सच ही कहते हों, और कभी कहता है दिल नहीं मानता। कभी उसके दिल में आता है नहीं, ये सब मेरे नुकसान की बात है, नहीं मुझे नहीं करना ये काम। तो ये ईमान वाला बंदा फौरन से फैसला करता है। और यहाँ से एक और असूल ज़िंदगी का हमें सीखने को मिला है। हमने इंशाल्लाह ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स इकट्ठे करने हैं कुरान से। ज़िंदगी का एक और असूल सीखने को मिलता है कि मोमिन बंदा, ईमान वाला बंदा फौरन फैसला करता है। ईमान वाले बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कभी ये सोचे तो कभी वो सोचे। ईमान वाला बंदा जब भी उसके जहन में कोई बात आती है फौरन से उसके लिए हाँ कर देता है, यानी जो उसके ईमान की बात आती है या कुर्बानी देने की बात आती है, नेकी करने की बात आती है, सदका करने की बात आती है, क्लास में रेगुलर होने की बात आती है, फौरन से वक्त की पाबंदी की बात आती है, तो वो क्या करता है? उसका दिल शक में मुब्तला नहीं होता, वो तजब्ज़ुब का शिकार नहीं होता, वो फौरन से अपने किए हुए फैसलों पे डट जाता है। लेकिन जो मुनाफिक होता है वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो ऐसा बंदा दुनिया की रेस में भी कामयाब नहीं हो सकता और आखिरत की रेस में भी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि ईमान जो है वो इस्तकामत चाहता है। और अगर आप एक दिन चाह रहे हैं कि ये काम करना है नेक, अगले दिन कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं करना, फिर उससे अगले दिन कह रहे हैं मैंने करना है, फिर अगले दिन कह रहे हैं नहीं करना, तो एक तो उस काम की इम्पोर्टेंस आपके सामने ख़त्म हो जाती है, दूसरी ये चीज़ है कि अल्लाह ताला को भी हमारी ये अदा पसंद है। हाँ, नीयत पुख्ता हो कि मैंने करना ही करना है, फिर कोशिश में कमी बेशी आ जाए तो अल्लाह इंसान को तौफीक दे देते हैं। जब ईमान का लेवल कम बड़ा होता है आप दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस्तकामत अता कर दे, तो वो इस्तकामत आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप नीयत के अंदर ही डाउटफुल हैं, नीयत में ही शक है, तो फिर मामलात आपके ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह सुबहाना तला इनकी मज़ीद इनके पोल खोल रहे हैं। सूरह तौबा के आगाज़ में हमने ये पढ़ा था कि सूरह तौबा के अंदर मुनाफिकीन के पोल खुलते हैं, तो एक इनके अंदर की बात अल्लाह बता रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज, कि ए नबी, ए मोमिन बंदो, इनके इनकार पर परेशान नहीं होना। अगर ये बार बार इनकार कर रहे हैं तो परेशानी की क्या ज़रूरत है? अगर वो इरादा कर भी लें निकलने का, अगर वो इरादा करते हैं निकलने का,
अगर उनकी नीयत हो निकलने की, जैसे वो कह रहे हैं कि हम आपसे इजाज़त मांगने आए हैं और अगर आप इजाज़त देंगे तो हम रुक जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो हम साथ चलेंगे, तो उनकी तो नीयत ही नहीं जाने की। अगर नीयत होती लअद्दू लहु उद्दतन, तो वो साजो सामान ज़रूर तैयार करते। उनके पास वो तैराकी सीखते, वो निशानाबाजी सीखते, वो जंग की चीज़ें सीखते, ना उनका जिहाद के लिए उनका जिस्म तैयार है, ना जिहाद के लिए उनके पास सामान तैयार है। ठीक है, अल्लाह उनके झूठे दावों की हकीकत खोल रहे हैं कि हम भी मुजाहिद हैं, हर वक्त निकलने के लिए तैयार हैं। ये वो जुमला कहते हैं, जैसे कि आज हम भी, बहुत से लोग कहते हैं हम जिहाद करेंगे, हमें शौक़ है, बस हमें मौका ही नहीं मिलता। तो अगर मौका, अगर इंसान का शौक हो, जज्बा और लड़ने का, अल्लाह की राह में वक्फ होने का, तो इंसान सबसे पहले उसके लिए ट्रेनिंग करता है। तो बस ये है कि मुसलमानों के अंदर भी डिग्रियों के हसूल, मलाजमत और कुफार की गुलामी, कारोबार, हलाल हराम, दुनिया कमाने में लगे रहना, पीरी फकीरी में लगे रहना और इसी कामों के अंदर मगर रहना, जहाँ जहाद का तस्करा हो वहाँ पे अल्लाह के रास्ते पे निकलने वालों पर दो चार तंजिया फिकरात कहकर अपने नफ्स के जिहाद पर ख़ुद को आमादा करते रहना। बहुत से लोग हमारे माशरे के अंदर, बल्कि हम सभी ऐसे हैं कि हमें मुश्किल काम लगता है अपने जान के साथ जिहाद करना। तो यहाँ पे मुनाफिकीन का पोर खुल रहा है और साथ साथ आज के माशरे के लोगों का भी, ये कहते तो हैं जिहाद करना चाहिए, लेकिन अगर वाकई जिहाद का इरादा रखते तो इनके पास जिहाद को निकलने के लिए साजो सामान होता, इनके पास तैयारी होती, इनके पास कुव्वत होती, ताकत होती, इनका जिस्म तैयार होता, इनका जहन तैयार होता, तो निकल ही नहीं चाहते। वलाकिन करह अल्लाह, और अल्लाह भी नापसंद करता है इनके उठने को, अल्लाह खुद ही नहीं चाहता ये निकले, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इखलास वाले लोग जाके बस जंग करें। अल्लाह अपने रास्ते पे मुनाफिक लोगों को लड़ने की कोई मौका ही नहीं देता। अल्लाह ताला को इनके निफाक और बदअमली की वजह से मुखलिस मुजाहिदीन के साथ इनका निकलना पसंद ही नहीं है। वलाकिन करह अल्लाह इन्बिआसहुम, अल्लाह को इनका उठना पसंद ही नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको रोक दिया और कहा उक़ुदू माल काइदीन, तुम्हें बैठने वालों के साथ शौक है ना बैठने का, चलो बैठो इनके साथ। तो जो बंदा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम में आता है कि जो शख्स मर गया और उसने ना जंग की और ना ही अपने दिल के साथ कभी जंग करने की बातचीत की, एक होता ना, एक तो है कि जंग करने का मौका ही नहीं मिला, और एक ये है कि आपने नीयत ही नहीं की। एक अब देखिए, जैसे आजकल फतुहात की बात हो रही है तो ईमान का लेवल बढ़ता है, कुछ लोगों का दिल होता है अल्लाह काश हम भी इन लोगों में शामिल होते, हम भी जो ममालिक हैं मुसलमानों को जहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मगलूब किया गया है, महकूम बनाया गया रहा है, अल्लाह हमारे आने वाली औलादों को इतनी ज़्यादा ताकत दे, एनर्जी दे कि वो भी लड़ सके, वो भी जंग कर सके, और जंग की नीयत ही ना की, जंग के लिए बातचीत ही ना की, तो वो नफाक की एक शाह पे मरेगा। ठीक है, तो कम अज़ कम हमारे अंदर गैर मुस्लिम के साथ जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, जंग भी उनसे की जाती है ना जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके साथ लड़ने का जज्बा तो होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। अगर मोहब्बत नहीं करेंगे ऐसे लोगों के साथ, जिहाद की ख्वाहिश नहीं होगी, जिहाद अकबर की। एक तो है जिहाद असकर, नफ्स का जिहाद जिसमें मसरूफ़ है और हमने उसको जिहाद अकबर समझ लिया है, हालांकि जिहाद अकबर वही है जो अल्लाह की राह में अपने जान और माल को कुर्बान करना, सबसे बड़ा जिहाद। और जिसने इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं की, बात ही ना की, तो फिर वो निफाक की एक शाह पे मरेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ईमान की हालत में मारे और हमें ऐसी हसलतों से, ऐसी बातों से अल्लाह हमें दूर रखे। वकील उदूम अलकाइदीन, और इससे उनकी मजम्मत की जा रही है इस आयत से कि उन्होंने अपने निफाक, बुजदिली और बेहिम्मती की वजह से औरतों, बच्चों, बीमारों, जंग में शिरकत से लाचार बुरों के साथ बैठे रहना पसंद किया। अल्लाह ने कहा तुम ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हो, कमज़ोर लोगों के साथ, चलो हम भी नहीं पसंद करते कि तुम हमारे साथ जाओ। ये है इस्लाम की गैरत,
इससे जिंदगी का एक और असूल पता चलता है। आपके अंदर इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते आप उनको जा छोड़ दें, जो आपके जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मसलन एक बंदे को आप जो है एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं लेकिन वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, तो आप के अंदर भी ये अंदाज होना चाहिए कि एक बंदा खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, खुद आगे नहीं बढ़ना चाहता, खुद अल्लाह के अल्लाह ताला की जो बातें हैं या अल्लाह की राह में वक्फ नहीं होना चाहता, तो फिर ऐसे लोगों को आजाद छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और ऐसे लोगों के बारे में हमारा माइंड होना चाहिए कि ये लोग खुद बैटरी वालों के साथ बैठना चाहते हैं तो हम इनको जंग के लिए आमादा कर भी लें तो इनकी तैयारी तो है नहीं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम हमारी नीयत ये ना हो कि हमने बैठने वालों के साथ बैठना। अगर कोई अल्लाह हमें जिम्मेदारी देते हैं या हमें कोई एक सीट दी जाती है, ठीक है, तो उस सीट के लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए बजाय इसके कि मुनाफिकीन जैसा रवैया अपनाएं। जब भी जिंदगी में कोई काम करने को दिल ना करे तो क्या करें, ये सोचें कि कहीं हमें तो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म ना आ रहे, चलो बैठे रहो, अब तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी, अब तुम्हें कोई कोशिश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अल्लाह के पास तो बड़े बंदे हैं, कल भी ये सीखा था कि अगर एक लौ खरजू फीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला खबाला, अगर वो निकलते तुम में से, अगर ऐसे लोग जंग के लिए निकल भी जाते तो क्या होता कि वो तुम्हारे अंदर आकर ज्यादती करते खराबी के अंदर। अब मुसलमानों के माइंड में ये बात भी आ सकती है जैसे कि हमारे जहनों के अंदर भी, कैसे लोग क्यों नहीं निकलते और अगर ये निकले तो इस्लाम का कितना फ़ायदा हो सकता है। तो हमें तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये निकल भी जाते कि इनके अंदर खोट है, इनके अंदर बुराई है, ये अपने अंदर से मुखलिस नहीं है, तो अगर ये निकल भी जाएं तो क्या होगा कि मजीद नुकसान पहुंचाएंगे, इनका ना निकलना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। ये लोग मजीद जाके खराबी पैदा करेंगे, तुम्हारे दरमियान फसाद डालने की कोशिश करेंगे, कभी किसी की चुगली करेंगे, कभी किसी की गीबत करेंगे, कभी एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाने की कोशिश करेंगे, कभी मुसलमानों के हौसले पस्त करने की तदबीरें सोचेंगे। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर अल्लाह सुबहाना तारा ने इनको तुमसे दूर रखा। आजमाइश इनकी भी थी लेकिन फ़ायदा किसका था, मुसलमानों का। वफ़ीकुम समाउन लहुम, और तुम सुनने वाले, तुम में सुनने वाले हैं, जसूस हैं, जसूसी करने के लिए ये जो है ऐसा आएंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह खूब जानने वाला है जालिम लोगों को। तो तबूक के लिए निकल आने वालों में बाज़ लोग मुनाफिकीन के बारे में बड़ा नरम गोशा रखते थे, अल्लाह ताला ने इन्हें इनसे दूसरे मुजाहिदों को खबरदार किया कि तुम में से बहुत सादा दिल यानी बाज़ सादा दिल लोग जो हैं इनकी बातें बड़े गौर से सुनते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे बददिली फैलाने वाले लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है वफ़ीकुम समाउन लहुम, और तुम में सुनने वाले हैं उनके लिए, यानी कुछ लोग मुजाहिद, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका दिल बहुत नर्म होता है और फौरन से अगर कोई इनको बात बताई जाए तो यकीन कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में जो सादा दिल होशियार चलाक नहीं है उनको उनके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे लोग भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, तो अगर ये मुनाफिकीन तुम्हारे साथ निकलते तो मुनाफिकीन क्या करते, उन लोगों को भी डिस्टर्ब कर देते। और एक मतलब ये भी हो सकता है कि तुम में ऐसे लोग भी हैं जो इनके लिए जासूसी करते हैं, यानी तुम्हारी कमजोरियाँ इन्हें पहुँचाते हैं, ठीक है, इनकी आपकी जो भी कमियाँ हैं ये कमजोरियाँ इन तक लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का पीछे रहना ही बेहतर है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह खूब जाने वाला है उन लोगों को जो जुल्म करते हैं, जो जालिम है, जो इस काम का इर्तकाब करके अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हैं और दूसरों को भी शुभहात में डालकर उन पर भी जुल्म करते हैं। इनको डबल सज़ा मिलती है, एक तो खुद जुल्म करते हैं गलत काम करके, लोगों को कन्फ्यूज़ करके, जासूसी करके,
लोगों तक खबरें पहुंचाकर। अब हम में से भी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो मामला इतना बुरा नहीं होता लेकिन दूसरों के ईमान को कंफ्यूज कर देते हैं और तजब्जुब का शिकार कर देते हैं दूसरों को भी। तो ऐसे लोगों को जालिम कहा गया है। लकदिब तगो, अलबत्ता इन्होंने डालना चाहा फितना इससे पहले भी, यानी इससे पहले भी इनकी कुछ कारनामे ऐसे हैं कि जिनमें उन्होंने किया था, इनकी कुछ बातिन और मजीद मकारियों का पर्दाचाश किया जा रहा है कि आप सल्लम के खिलाफ मकरो फरेब करना इनकी पुरानी आदत है। पहले भी मुसलमानों में फूट डालने की तदबीरें करते रहे लेकिन जंगे बदर में अल्लाह ताला ने अपने दीन को इनके न चाहते हुए भी गलबा अता किया। बज़ाहर इस्लाम में वो दाखिल हो गए थे लेकिन फिर भी शरारतों से बाज नहीं आए थे। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई ने गज़वे ओहद के दिन ऐन मैदान जंग से अपने 300 साथियों को वापस कर लिया था, वापस लौट गया था। तो हर मौके पर इनकी हमदर्दियाँ किसके साथ रही हैं? यहूदियों के साथ। बनु नज़ीर और दूसरी कई यहूदियों को कत्ल से बचाया। बनु नज़ीर को उबारते रहे कि मुसलमानों के साथ जंग करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा पर बुहतान लगाया इन्होंने, मस्जिद ज़रार बनाकर मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा तबीर किया। तबूक पर जाने वालों जाने पर बददिली भी फैलाते रहे। वापसी पर जब मौका मिला तो आप सल्लम पर छुप कर हमला भी करते रहे, उससे भी जो है गुरेज नहीं किया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की खास मदद से मक्का फतह होने और तबूक की फतह के बाद सारा अरब इस्लाम में दाखिल हो गया और ऐसे लोग जो है अपनी मौत आप मर गए, बेबसी से हाथ मलते रहे। लेकिन इन्होंने हर दौर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जो मुनाफिक बंदा होता है ना वो मुखलिस नहीं कभी भी हो सकता। ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए और मुहतात रहना चाहिए। लकद इब्तगौ अलफितनत मिन कब्लु वकल्लबु, उलट पुलट किए लकल उमूर आपके लिए मामला, हत्ता जा अलहक वज़ाहर अमरुहु, हत्ता के हक जाहिर हो गया और अल्लाह का हुक्म भी आ गया। वहम कारिम, अगरचे इनको बड़ा नापसंद था अल्लाह का ये हुक्म, अल्लाह ताला की के इस्लाम की ये फतह, लेकिन फिर भी इस्लाम की फतह तो हो के रही, वही होगा जो अल्लाह को पसंद है। ठीक है, तो कितनी भी कोशिश कर ले दुश्मन आपको कमज़ोर करने की, आपको नुकसान पहुँचाने की, आपको लेट डाउन करने की, लेग पुलिंग करने की, लेकिन जो अल्लाह का बंदा होता है, जो दीन होता है इस्लाम, वो हमेशा गालिब ही रहता है जब तक मुसलमानों के अंदर ईमान की कैफियत होती है। ठीक है, तो आज की आयात के अंदर हमें ज़िंदगी की बहुत अहम असबाक सीखने को मिले हैं, बहुत अहम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोशिश जो है करते ही रहना है, चाहे कोई साथ दे या ना दे, जिम्मेदारियाँ मिलें तो उन जिम्मेदारियों को कबूल करना है, बजाय इसके कि बैठने वालों के साथ बैठ जाए। बहुत से लोग हमारे माशरे के अंदर बैठे हुए हैं ना, अल्लाह ने उनको जिम्मेदारियाँ नहीं दी, लेकिन आपको अल्लाह ने सुबह उठ कर कुरान क्लास लेने की जिम्मेदारी दी, अल्लाह ने आपको सुबह उठ कर नमाज अदा करने की जिम्मेदारी दी, आपके अंदर शऊर पैदा किया, आपके अंदर शौक पैदा किया। अब मुनाफिकीन की तरह एक्सक्यूजेस पेश करके पीछे नहीं रहना, अपने आप को पीछे रखने की कोशिश नहीं करनी कि फलां प्रॉब्लम है, मेरा दिल नहीं कर रहा इसलिए मैं नहीं ये करूँगी, मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए इश्यूज हैं, मेरी फलां मजबूरी है। मजबूरियाँ तो बहुत सी आएंगी लेकिन इस्लाम के सामने, आप अल्लाह के हुक्म के सामने आपकी कोई मजबूरी कोई मानी नहीं रखनी चाहिए। ये हमारा लेवल होना चाहिए ईमान का। हर चीज़ का एक लेवल होता है और अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि अपने आप को मज़ीद कमज़ोर करें। इंशाल्लाह हमारा लेवल इतना ज़्यादा हो कि हमें रिमाइंडर मिल रहे हैं रोज़ के, तो हम रोज़ का रोज़ अपने ईमान को बढ़ाते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको छोटा सा रिमाइंडर मिला क्लास में लास्ट नहीं आने का, और सभी आए तो अल्लाह से अभी दुआ करें कि अल्लाह इसी तरह इस्तकामत के साथ हमें मुसलसल ऐसी ही कोशिश करने की तौफीक अता कर, हमसे कुरान को कभी दूर ना करना। अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, गुनहगार हैं, इस्लाम की फतह चाहते हैं और जब तक ईमान नहीं होगा फतह नहीं होगी। तो कुरान को छोड़ देंगे तो फतुहात कैसे हासिल होगी हमें? कम अज़ कम अपने नफ्स के साथ तो मुकाबला कर सकें अगर हम एक बड़े जिहाद की तरफ नहीं जा सकते। जिहाद अकबर के बारे में भी सवाल किया था कि जिहाद अकबर नफ्स का जिहाद है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिहाद नफ्स के जिहाद के बाद ही
दूसरा जिहाद भी अकबर होता है। यानी बेसिकली हिस्सी और मौलवी तौर पर, हिस्सी तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिहाद अल्लाह के राह में मैदान जंग में जाके लड़ना, और मौलवी तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिहाद नफ्स का जिहाद है। नफ्स का जिहाद करके ही हम उस मैदान में जाते हैं। जैसे कलम के मुकाबले में जिहाद अकबर कौन सा जिहाद है? जान वाला जिहाद। माल के मुकाबले में जिहाद अकबर कौन सा है? माल जान वाला जिहाद। ठीक है, तो हिस्सी और मौलवी तौर पर आप इसको देखेंगे। और अपने लिए खसूसी दुआ करें और इस चीज़ का मुआहदा करें, अहद करें कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला से कि हम अपनी इस कोशिश को मुसलसल रखेंगे तो जब्जों का शिकार नहीं होंगे। इस चीज़ से पेश नहीं करेंगे, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ। अल्लाह सुब्हान तआला हमें कुरान के साथ एक पक्का और इखलास वाला रिश्ता निभाने के लिए हमें तौफीक अता करे। हमें कभी बेशी को अल्लाह मुआफ़ कर दे, हम कभी भूल जाते हैं कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें याद करवाते रहे। अल्लाह ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ज़रूर रखें कि जो हमें रिमाइंडर्स देते रहें। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ترغب.